एक पार पॉलिटिक्स के तनाजर में और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, उन दोनों के हवाले से देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल जो है, यानी जहाँ तक पार पॉलिटिक्स का तल्लुक है, वो काफ़ी तारीख है। अच्छा, और ये फैसला हो चुका हुआ है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट होंगे और उनकी जगह जो है वो जेल होगी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि वो नहीं, ये फैसला तो अभी नैब ने करना ना, लेकिन इस फैसले के लिए सब तैयार हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि अगर वो कन्विक्ट हुए तो वो उनकी जगह जेल होगी। जेल होगी, मतलब वो एनआरओ नहीं। और इस पे जो मुक्तदर अला सतह के मुक्तदर अदरों किया है कि पता नहीं लगा। अच्छा, मियां नवाज शरीफ का ख्याल है कि बहुत कुछ होगा, बड़ा रिएक्शन होगा, लेकिन जो अभी ब्रीफिंग भी हुई थी उसमें भी ये बात आई थी, तो कोई किसी पता लें की कोई उम्मीद नहीं है। ये तो एक है। अब आप पूछते हैं पार पॉलिटिक्स के हवाले से, अभी जो आइंदा के जो चंद हफ्ते हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता मियां नवाज शरीफ की पार्टी में कुछ नकब लगेंगे। मेरी अपनी इतला के मुताबिक तकरीबन 80 लोगों से, PMLN के लोगों से, लोटगान से कह लें उनको, या जो फेंस पे बैठे हुए हैं, रबते हैं। और ये जो केयरटेकर सेटअप है जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जी ये इसमें तरबीम होनी चाहिए, ये केयरटेकर सेटअप भी जो इस समय ये जब आएगा तो इस वक्त जो उनको थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव से या हुकूमत से, जो उनकी अपनी हुकूमत है, थोड़ी सी टेलमेंट मिल रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। जामी साहब, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं इसको हम तजिया समझें या खबर समझें? आप तजिया ही समझें इसको फिलहाल, खबर तो है।